वॉट्स अप आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट मॉबी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे प्रोडक्ट्स पे मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में बेबी है तो वो एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है वो कैसे वो मैं आपको बताती हूँ तो मोस्टली जब बच्चे छह महीने के हो जाते हैं या फिर नियर अबाउट के हो जाते हैं तो क्रॉल करना शुरू कर देते हैं या फिर obviously चलना शुरू कर देते हैं टच है? करना शुरू तो कर, कर देंगे या फिर घर पे अगर कोई सामान गिरा है या छोटी से छोटी भी चीज जो गिरी हुई है उसको उठा करके फटाफट मुंह में डालना शुरू कर देते हैं ये बहुत कॉमन है या फिर आप देखेंगे बच्चे जो है वो इधर उधर भागते हैं कोई शार्प अगर एजेस है तो वहां पे जाकर के खुद को

इसको नैपर या बेबी कॉट में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल साइज जिपर है ये डिटैचेबल है एंड थोड़ा सा एलिवेटेड भी है जिसको यूज़ करके आप आसानी से इसको बेबी कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूबॉर्न बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्ले पेन को रॉकर में कन्वर्ट करने के लिए प्ले पेन के नीचे रॉकर स्टैंड है दोनों तरफ है आप उसको बाहर की तरफ निकाल लीजिए एंड ये जो प्ले पेन है वो बहुत आसानी से रॉकर में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक ज़िपर डोर मिलता है जिससे बच्चे आसानी से प्रोडक्ट से बाहर आ सकते हैं या वापस अंदर जा सकते हैं इसको जनरली बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं आई मीन बच्चों के लिए ये काइंड ऑफ अ फ़न एक्टिविटी है मेरा बेटा आया जिसको खुद बहुत इन्जॉय करता है उसको यू uh, नो you know, अंदर बाहर करना इसमें बहुत पसंद है एंड ये फ़ीचर मुझे इसका लिटरली बहुत पसंद आया बच्चों को उनका स्पेस मिलता है साथ ही साथ बच्चे जो है वो इन्जॉय भी करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ आपको कन्वीनियंट टू व्हील्स का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे ये दोनों इसके व्हील्स हैं जिसको ऑपरेट करना बहुत आसान है एंड अगर आप चाहें तो प्ले पेन को एक रूम से दूसरे रूम में बहुत आसानी से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको तीन पॉकेट्स भी मिलते हैं जिसमें आप बच्चों के एसेंशियल्स रख सकते हैं जिसको आप आसानी से अगेन यहाँ पे अटैच या डिटैच कर सकते हैं अपने कन्वीनियन के हिसाब से तो यहाँ पे आपको कैनोपी भी मिलता है जो कि मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा जिसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अटैच या डिटैच कर सकते हैं कैनोपी के साथ आपको मॉस्किटो नेट मिलता है मॉस्किटो नेट बच्चों के लिए वैसे भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट होता है जैसा कि आपको पता है एंड यहाँ पे आपको टॉय बार मिलता है टॉय बार में आपको बहुत प्यारे प्यारे थ्री स्टफ टॉयज़ मिलते हैं जो कि बच्चे को जनरली बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चे जनरली इसको यू नो छूने की कोशिश करते हैं या क्रैप करने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों की मोटर स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी यू नो हेल्पफुल हो जाता है मेरा बेटा आयाश को दिन स्टफ़ टॉयज़ के साथ बहुत इन्जॉय करता है या खेलता है यहाँ पे आपको डाइपर चेंजिंग टेबल भी मिलता है जिसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अटैच या डिटैच कर सकते हैं एंड इसको क्लीन करना बहुत आसान है सेफ़्टी स्ट्रैप्स भी हैं जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा फीचर है अब बच्चों का डाइपर चेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है आप ईजिल अप टू फिफ्टीन के के वेट के बच्चों के लिए इसको ईजिली अकोमोडेट कर सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा इस प्रोडक्ट का मुझे एक और बेस्ट पार्ट लगा कि आपको दोनों तरफ एरी मैश मिलता है जिससे होता क्या है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। बच्चे जो है वो बंधे हुए फील नहीं करते हैं आई मीन एयर सर्कुलेशन जो है वो यू नो थ्रू आउट मेनटेन रहता है साथ ही साथ ये बहुत क्लियर है इस पर विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी क्लियर है आप अगर कोई काम में ऑक्यूपाइड भी, भी हैं तो आप आसानी से अपने बच्चों को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं एंड बच्चे भी इसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं ये प्रोडक्ट काफी स्पेशियस है मतलब स्पेस में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो कि इसका बेस्ट पार्ट है बच्चे अपना प्ले टाइम बहुत आसानी से एंजॉय कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ये काफी स्टडी भी है मतलब हिलता बिल्कुल नहीं है जो कि अगेन एक बेस्ट पार्ट है इसमें कोई शार्प एजेस नहीं है जिससे बच्चों को कोई भी चोट नहीं लग सकती या कोई भी हार्म नहीं हो सकता अगेन ये भी फीचर मुझे इसका बहुत पसंद आया सो so दोस्तों ये था आज का वीडियो लव लाइव ब्रांड के वंडर जॉय प्ले पेन के बारे में जिसने लिटरली मेरी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है तो अब मैं अपनी लाइफ में जो चो छोटे छोटे ब्रेक्स है वो ले सकती हूँ जो कि हमारे लिए एज अ मदर ज़रूरी भी होता है सो so दोस्तों ओवरऑल इस प्रोडक्ट को मैं डेफिनेटली बिग थम्स अप दूंगी आई मीन अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई प्ले पे ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है काफ़ी स्टडी है एंड बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो भी आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना हो तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है साथी साथी साथ ही साथ ही लव लैब के साइट पे अवेलेबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया एंड जितना भी इन्फॉर्मेशन था मेरे पास लव लैब ब्रांड के वंडर जॉय प्ले पेन के बारे में मैं आपको बता पाई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो येस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियोज आपके लिए बनाती रहती हूँ आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आप नोटिफिकेशन बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आप देख सके तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूं और मैं मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय